भाजपा सरकार के लाए गए तीन नए कृषि विधेयकों को 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में पारित किया गया था। देश भर के किसान, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान, नए कानूनों का दिल्ली के बॉर्डर पर नवंबर से ही विरोध कर रहे हैं। भाजपा सदस्य तेजिंदर बग्गा ने 20 मार्च 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 49 सेकंड की एक क्लिप शेयर की। तेजिंदर बग्गा ने लिखा, मोदी जी द्वारा लाए गए बिल को पढ़ने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने बिल को सपोर्ट करने का फैसला किया। हम केजरीवाल जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आप ये वीडियो देखिए जो तेजिंदर बग्गा ने शेयर किया था। सर, एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, आई कंप्लीटली कंसीड, और उसमें कई सारे डायमेंशन हैं सर। सबसे बड़ा डायमेंशन सर एग्रीकल्चर प्राइसिंग का है, द काइंड ऑफ प्राइसेस दैट वी आर गिविंग, और जो इतने सारे कंट्रोल्स हमने एक किसान के ऊपर रखे हुए हैं, इन कंट्रोल्स को भी हटाना पड़ेगा। एक किसान को मंडी में ही जाके बेच सकता है, बाहर क्यों नहीं बेच सकता, मंडी में ही क्यों बेच सकता है, दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं बेच सकता, अपने स्टेट में क्यों। जितने कंट्रोल्स हमने एक छोटे से किसान पे लगा रखे हैं, जिस कंट्रोल से आप लोग दुखी हो ना सारे, उसी सारे कंट्रोल से वो भी दुखी है। आई थिंक उसको डीरेगुलेट करने की जरूरत है। बहुत सारे सरकार को उसकी सर से उतरने की जरूरत है, एंड जो प्राइसेस उसको हम दे रहे हैं वो प्राइसेस। इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया। YouTube पर सर्च करने पर हमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII का एक वीडियो मिला। ये दिल्ली में आयोजित CII की नेशनल काउंसिल मीटिंग का वीडियो है और इसमें अरविंद केजरीवाल शामिल हुए थे। वीडियो 17 फरवरी 2014 को अपलोड किया गया था और मीटिंग भी इसी दिन हुई थी। 36 मिनट 52 सेकंड का पूरा वीडियो देखने पर हमने पाया कि इसी का एक हिस्सा क्लिप किया गया है, जिसे भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने शेयर किया। असल में आपको तेजिंदर बग्गा के शेयर किए वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा है, वो केजरीवाल ने उनसे पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था। ये सवाल और केजरीवाल का जवाब आप देखिए और आप समझ जाएंगे कि मामला क्या है और तेजिंदर बग्गा ने उसे क्या बनाने की कोशिश की। माई क्वेश्चन इज ऑन एग्रीकल्चर। एज अ कंट्री वी हैव अ डायर नीड फॉर अनदर ग्रीन येलो व्हाइट रेवोल्यूशन, बिकॉज अनलेस वी कैन रेज द प्रोडक्टिविटी लेवल्स to a vast extent, our food prices will not be contained. We will have a great problem, not just in inflation and probably law and order. Now, while accepting your point on corruption, I think one has to go beyond this in the agricultural sector. Do you have any thoughts on this subject, sir? Sir, agriculture is a very important issue. I completely concede. और उसमें कई सारे dimensions हैं, sir. सबसे बड़ा dimension, sir, agricultural pricing का है. The kind of prices that we are giving, और जो इतने सारे controls हमने एक किसान के ऊपर रखे हुए हैं, इन controls को भी हटाना पड़ेगा। एक किसान को मंडी में ही जाके बेच सकता है, बाहर क्यों नहीं बेच सकता, मंडी में ही क्यों बेच सकता है, दूसरे states में क्यों नहीं बेच सकता, अपने state में क्यों बेच। जितने controls हमने एक छोटे से किसान पे लगा रखे हैं, जिस control से आप लोग दुखी हो ना सारे, उसी सारे कंट्रोल से वो भी दुखी है। आई थिंक उसको डीरेगुलेट करने की जरूरत है। बहुत सारे सरकार को उसकी सर से उतरने की जरूरत है, एंड जो प्राइसेस उसको हम दे रहे हैं वो प्राइसेस, मतलब जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहा वो गेहूं का था या किसका था, चावल का था। हरियाणा सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 1580 रुपीज पर क्विंटल, एंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज 1250। आप उसको कॉस्ट भी नहीं दे रहे हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, तो वो कैसे जिएगा? ऑब्वियसली दे विल बी अ प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग, स्वामीनाथन रिपोर्ट सेज दैट वी शुड गिव देम कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट्स, अगर आप उसको ईमानदारी का प्रॉफिट देना चालू कर दो, बट देर आर मेनी अदर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, आई थिंक वी नीड टू डू मेनी मोर थिंग्स इन एग्रीकल्चर। यानी तेजिंदर बग्गा ने न केवल केजरीवाल का 7 साल पुराना वीडियो अभी बने कृषि कानूनों के संदर्भ में रखा, बल्कि केजरीवाल की पूरी बात भी नहीं दिखाई और केजरीवाल जो कहना चाह रहे हैं उसके उलट नैरेटिव बनाकर पेश किया।